अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज मेंटोर। नॉलेज की दुनिया से आपके लिए एक और वीडियो। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो हमारे टैक्स से रिलेटेड ही है। मैंने एक वीडियो पहले भी लगाई थी और टैक्स से रिलेटेड थी, और उसमें मैंने एक एक्सटेंशन का जिक्र किया था BitIQ का। बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर वो मेरे चैनल से उसको सर्च कर ले, मिल जाएगी। तो उस BitIQ में मैंने आपको सिर्फ उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना बताया था, कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, या उसका बेसिक से एक दो फीचर्स बताए थे। आज मैं टैग्स जो को प्रॉपरली जो है अपनी वीडियो में पुट करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि वीडियो में कुछ भी नहीं है, उसकी SEO कुछ भी नहीं है, उसमें टैग्स कोई नहीं लगे, उसका स्कोर कुछ नहीं आ रहा। फिर मैं किसी और की वीडियो पे जाऊंगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो खोलूंगा किसी की, और उसने जो टैग्स यूज़ किए हैं उन टैग्स को अपनी वीडियो में यूज़ करूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्कोर इसका बढ़ता है, कैसे हमारे टैग्स के ज़रिए वीडियो हमारी जो है वो उसके वायरल होने के चांसेस बनते हैं। मगर इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मैंने यहाँ पर अपनी ये एक चैनल है मेरा, मैं इसे यूज़ नहीं करता, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कह लें कि मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है, कि जिस पर थोड़ी बहुत हम किसी ना किसी को ट्रेनिंग दे दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, ये किसी होटल की वीडियो है। मेरा ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस है, तो मैं होटल्स की वीडियो लगाता हूँ, तो फिर जो है वो उन वीडियोस पे हम क्लाइंट्स को दिखाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे से बोला। अच्छा, मेरा टॉपिक जो है वो यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। मैं सिंपली एक टॉपिक लिखता हूँ, हाउ टू टैग। इस वीडियो को पहले इसको पहले मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ, ताकि BitIQ जो है वो एक्टिव हो जाए। BitIQ के ऊपर जो सर्च बार है वो नहीं आ रही थी, और साइड में उसके आइकन्स भी नहीं आ रहे थे। उसके लिए इसको वीडियो को हमने एक दफ़ा रिफ्रेश कर लिया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये ऊपर आ गई इसकी बात, या आप देख सकते हैं कि ये लास्ट किसी ने भी अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मैंने इनको इनके ऊपर टैग्स नहीं यूज़ किए। अच्छा जी, यहाँ से आप देखें BitIQ SEO स्कोर 0 है, आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर 0 है। मैंने वीडियो लगाई हुई है, वीडियो अच्छी क्वालिटी की है, सारा कुछ है, हर चीज़ ऑलमोस्ट 0-0, सिर्फ चेकलिस्ट में 2 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 9, सब चीज़ 0-0 है। तो मेरे वीडियो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे कोई नहीं देखेगा। तो अब मैं यहाँ पर अपना एक टॉपिक चेंज करूँगा, हाउ टू टैग यूट्यूब वीडियोस। अच्छा, वैसे तो टाइटल थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको छोटा कर लिया। अब ये मैं इस टाइटल को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर YouTube में कहीं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो खुल गई है। ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, तैमूर परदेसी, इनको भी देखा करें, बच्चे बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो चले, मैं इनकी ही खोल लेता हूँ वीडियो, बाद में कहीं ये माइंड ना कर जाए, लेकिन सिर्फ आपको गाइड करने के लिए इनकी वीडियो खोल रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट जो है वो इंतहा कसम हुआ हुआ है।
अच्छा जी, मैं इनकी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो हम नहीं देखेंगे। आप देखेंगे ये विड आईक्यू जो है ये एक्टिवेट हो गया है, ये उनकी वीडियो से रिलेटेड जो भी इनका स्कोर है ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो टैग्स, ये वो टैग्स हैं जो तैमूर भाई ने यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, आप इन टैग्स को कॉपी करें। ये आपने जिसकी वीडियो निकालनी है आप देख लीजिएगा कि उसके व्यूअर्स ज़्यादा होने चाहिए, उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी उसकी वीडियो वायरल होने कोई हो ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। मैं यहाँ नीचे टैग्स में चला गया और मैंने इसको फिलहाल रिमूव करता हूँ। ये टैग्स में मैंने ये पहला जो टैग है वो पेस्ट किया। आप देखें यहाँ पर 0 था, अभी स्कोर अभी 3.2 हो गया है। ठीक है, अभी हम मज़ीद टैग्स हैं वो कॉपी करेंगे। ये वो टैग्स हैं जो तैमूर भाई ने यूज़ किए हैं, और मैं भी इनकी वीडियोस देखता हूँ, बड़ा अच्छा इनका चैनल है, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। तो ये उनका हमने दूसरा टैग उठा लिया, स्कोर हमारा बढ़ गया, 7 हो गया। हम तीसरा टैग उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी। अच्छा, ये हमने तीसरा टैग उठा लिया, स्कोर इस वक्त थोड़ा सा कम हो गया लेकिन उसको फिलहाल इग्नोर करें। इसमें असल में नंबर 5 भी कॉपी हो गया है, इसलिए शायद स्कोर जो है वो कम हो गया है। इसको नंबर 5 जो है ये इग्नोर करना है इसको। यहाँ पे टैग्स वॉल्यूम देखें 3 हो चुका हुआ है, टैग्स काउंट 0 है, इससे हमारे स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हम अगला टैग उठाएंगे, कंट्रोल सी। ये कंट्रोल भी अच्छा, अभी देखें हमारा स्कोर भी बढ़ गया है, 10.2 हो गया है, टैग्स काउंट 1 हो गए हैं, टैग्स वॉल्यूम 4 हो गया है, कीवर्ड इन टाइटल, इसका मतलब ये कि जो हमने टाइटल लिखा है उसका कीवर्ड जो है वो हमारे टैग्स में मौजूद है, एक कीवर्ड ऐसा हमें मिल गया हुआ है। अभी हम इसको और बेहतर करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि ये कुछ टैग, ये एक टैग खुला हुआ है, ये के देख लें, गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। अगर आप किसी भी टैग पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसके ओपन होते ही उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन और उसका ओवरऑल स्कोर ये आपके सामने आ गया है। इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि जो टैग हमारे किसी भाई ने इस्तेमाल किए हैं हमें, उन टैग्स का कितना स्कोर है, वो यूट्यूब पे कितना सर्च हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ये टैग इसका स्कोर अच्छा है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे टोटल स्कोर पे फर्क नहीं पड़ रहा, इंशाल्लाह भी पड़ेगा जल्दी। YouTube टैग्स हम ये भी कॉपी करते हैं, YouTube टैग्स 13.4 हो गया हमारा स्कोर। गेट मोर व्यूज भी ले लेते हैं, 15.3। टैग्स जैसे थोड़े से बड़े होने चाहिए लेकिन कुछ समटाइम्स हमारा टॉपिक ऐसा होता है कि इसमें टैग्स जो है वो छोटे ही मिलते हैं। अब देखें ये कलर चेंज हो गया, यानी कि थोड़ा सा हमारा स्कोर बेहतर है, टैग्स काउंट 2 हो गए हैं और 18.6, अभी भी बहुत कम है, हम इसको और जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्कोर बहुत ज़्यादा हाई इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी चैनल, इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी, तो ये ओवरऑल सिर्फ टैग्स का नहीं, ओवरऑल आपकी वीडियो को काउंट कर रहा है, इसलिए शायद कि हमारा ये इतना ज़्यादा स्कोर ना ले पाए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सिर्फ अभी डिस्क्रिप्शन में अपना टाइटल ही कॉपी पेस्ट किया है, तो आप ये देखें 36.2 हो गया, तो ये 36.2 भी अभी कम है, ये आपका 50 के राउंड अबाउट कम से कम जाना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दी है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, बाकी चीज़ें ऐड करूंगा, जो लिंक्स दूंगा अपने चैनल्स के, दूसरी वीडियोस के, तो ये स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। उसमें अगर वो सारा अगर प्रोसेस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
ये सिर्फ आज टैग्स का आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने ये टैग्स पुट किए हैं इसका स्कोर बढ़ता रहे। आप एक वीडियो मैंने और भी बनाई हुई है जिसमें टैग्स को सर्च कैसे करते हैं, तो टैग्स को आप सर्च करें दूसरी वेबसाइट्स पे, उनको कॉपी पेस्ट यहाँ करें, फिर उनका स्कोर चेक करें। ये SEO का स्कोर है, विद IQ SEO स्कोर। ये स्कोर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं 50 प्लस पे लेके जाएं, और ये टैग काउंट्स हैं इन्हें 5x5 होना चाहिए, ये भी 5x5 होने चाहिए। आप टैग्स को पेस्ट करें, अगर उससे स्कोर बढ़ रहा है तो उसको रहने दें, अगर उससे स्कोर कम हो रहा है तो आप उसको रिमूव कर दें। तो इस तरह से आप अपना स्कोर बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। VidIQ के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा मैं, तो आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।